दिल्ली में कोहरा फिर लौट आया है। आज सुबह कोहरे ने दिल्ली को घेर लिया। राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह लगभग 5:30 बजे दिल्ली का तापमान कल से थोड़ा ऊपर यानी कि 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। आज तक संवाददाता पंकज जैन ने सुबह सुबह दिल्ली के मौसम का जायजा लिया। ठंड का अटैक और कोहरे की मार, तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अब कोहरे की चादर भी देखने के लिए मिल रही है। और इस वक्त आप इंडिया गेट का नजारा देख रहे हैं और साथ ही साथ सड़कों में अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां आपको हेडलाइट जलाते हुए भी नजर जाएंगी, क्योंकि कोहरा आज कई इलाकों में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर 1000 के आसपास की विजिबिलिटी है और उससे कम की भी विजिबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जिस तरह से गाड़ियां हेडलाइट जलाकर निकल रही हैं, वो अपने आप को इस बात से सुरक्षित कर रही हैं कि कोहरा हो तो सामने वाले को गाड़ी आसानी से दिख सके। ऐसे में इंडिया गेट भी पूरी तरह से अपने आप को कोहरे में लपेटे हुए है। लोगों से जानते हैं क्योंकि ठंडी हवाओं का रुख भी आज ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया है लोगों की जो घूमने के लिए इंडिया गेट के आसपास आए हुए हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं। आप, बहुत ज्यादा ठंड आपको लग रही है, मफलर आपने ओढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों के बजाय आज बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड कल से आज ज्यादा है और चूंकि अब दिसंबर का ये मिडिल ऑफ द दिसंबर है तो ठंड तो जाहिर सी बात है कि ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन आज ठंड काफी है। बचने के लिए किस तरह की आप तैयारी करके निकलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सुबह घूमने निकलते हैं तो मफलर उतना इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, लेकिन आज जरूरत पड़ी है, आज जरूरत पड़ी क्योंकि ठंड काफी है दिल्ली।